तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। पाइथन का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग सिस्टम है वो कैसा है और क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए 10x0, ठीक, इसको प्रिंट करते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है यही क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब एरर है, एक्सेप्शन का मतलब एरर है, ठीक। तो एरर क्या है, डिवीजन, जीरो डिवीजन एरर है, डिवीजन बाय जीरो, ये एरर है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सेप्शन होता क्या है और उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो जो एक्सेप्शन होता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है पाइथन का, जो कि एरर्स को मैनेज करता है। और जब एरर्स आती है तब पाइथन इंटरप्रेटर को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में ये समझ में नहीं आता है कि आखिर आगे करना क्या है। तब वो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, इसी को क्रिएट कर देता है। और अगर आपने इसे हैंडल नहीं किया तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है आगे नहीं बढ़ेगा, वही रुक जाएगा वो। तो आपको जो ये ट्रेस बैक दिख रहा है ना, ये ट्रेस बैक, ये एक रिकॉर्ड या लॉग फाइल होती है। इसमें मतलब टोटल डिटेल रहता है मौजूद, इसमें एरर की डिटेल रहती है, वही ये हमारी रिकॉर्ड जो होता है, ये जो ट्रेस बैक है ये हमारा, इसी में पूरी डिटेल हमारी मिल जाती है। अगर ट्रेस बैक को आप देखेंगे, ट्रेस बैक है क्या, नॉर्मली जनरल भाषा में तो इसे हम रिकॉर्ड या लॉग बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारी डिटेल यहाँ पर दिख रही है, आपको सारी डिटेल दिख रही है। यहाँ पर हर एक डिटेल को दिखाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे उन चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, मतलब ये काफ़ी डिटेल में, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जनरल भाषा में से ट्रेस बैक को तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो है एक रिकॉर्ड है, लॉग है, जिसमें डिटेल रहती है। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे ये ट्रेस बैक जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन मौजूद होते हैं, चूँकि उन फंक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसलिए ये काम पाइथन खुद करता है उन फंक्शन को कॉल। जैसे कि कंट्रोल यहाँ पे जब हमारा आता है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा क्या कि करना क्या है, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो डिफाइन ही नहीं है, जीरो से कोई चीज़ डिवाइड नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर रुक जाता है। रुकने के बाद हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की कॉलिंग होती है। उसके कॉलिंग के बाद हमारा क्या होता है, ये जो हमारा ट्रेस बैक नाम का मॉड्यूल है, यहाँ पे ये मॉड्यूल जो होता है वो सक्रिय हो जाता है, क्योंकि पाइथन को तो ये इस टाइप का जो मॉड्यूल से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर ही ये मॉड्यूल है, इसलिए जब भी आप लिखेंगे ट्राई कैस तो आपको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे समझ लीजिए ये जो ट्रेस बैक है एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इस एरर से संबंधित जो फंक्शन है उसकी कॉलिंग यहाँ पर होती है, और उसके बाद आपको ये सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये ट्रेस बैक नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसकी कॉलिंग की वजह से हमारा ये सब आपको दिखता है। इस हिसाब से ये काम होता है। तो इसके हैंडलिंग के लिए हम, अब ये जो ट्रेस बैक दिखता है इसके, ये जो मॉड्यूल है मान लीजिए, तो ट्रेस बैक नाम के इसके अंदर कई ऑब्जेक्ट होंगे, जैसी जैसी एरर होगी उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट होंगे, और उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद फंक्शन होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के जो एरर्स हैं उसको हैंडल करते हैं। अब हम खुद का भी कर सकते हैं, हम खुद का भी जो ट्राई, जिसको हैंडलिंग बोलते हैं, मतलब एरर को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि हमारा ये कोड है, ठीक है, तो ये कोड क्या है, ये एक्सेप्शन को हैंडल, ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है जो हमें यहाँ दिख रहा है। एक्सेप्शन का नाम क्या है, डिवीजन जीरो डिवीजन एरर है, ठीक है, ये उसका मैसेज है जो कि लिखा हुआ है उसमें। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, और अगर आपने इसको हैंडल नहीं किया तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वहीं पर ये हाल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट नाम के ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये है मान लीजिए, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं ट्राई के अंदर, और इसका इंडेंटेशन लेवल यहाँ पे है, इसको इंडेंट कर देते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं एक्सेप्ट, ये यहाँ पे लिखता है, अभी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, उसके बाद इसको हम नीचे कर देंगे। ये देखते हैं ये क्या क्या है, ये एक्सेप्ट में हम अपना पुश कर,
कुछ भी लिख देते हैं इसमें, प्रिंट इसके अंदर लिख देते हैं कि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। देखिए उसके बाद ये एरर नहीं आएगी, नहीं आई और ये प्रिंट भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन जो है वो, अगर आपने ये जो ट्राई है ना, इसमें उस कोड को लिखा जाता है जहाँ पर एरर्स जनरेट होने की संभावना होती है, और इसका सलूशन जो है एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा जाता है। यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर सलूशन ऊपर वाले का लिखा जाता है। तो अगर आपने इस कोड का सलूशन दिया है एक्सेप्ट ब्लॉक में, ठीक, तब तो पाइथन उसको पूरे प्रोग्राम को रन करा देगा। अगर आपने नहीं दिया तो वो अपने तरफ से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाकर और जो ट्रेस बैक नाम के ऑब्जेक्ट थे इनके फंक्शन को कॉलिंग करके उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर आपको एरर जनरेट करके देगा कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इज जनरेटेड, किस टाइप की एरर वहाँ पे जनरेट हुई है। तो इस हिसाब से ये काम होता है इसमें। अब इसमें डिफरेंट टाइप के ट्राई और एक्सेप्ट जो मेथड होते हैं इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे इसको एरर को हैंडल करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तो उसके बारे में अगले लेक्चर में देखते हैं। Audio Jungle.